नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तु ज्ञान में आपका स्वागत है। 12 अप्रैल शुक्रवार को चैत्र नवरात्रि का सातवां दिन है और नवरात्रि के सातवें दिन माँ दुर्गा के सातवें स्वरूप कालरात्रि की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से काल का नाश होता है, इसी वजह से माँ के इस रूप को कालरात्रि भी कहा जाता है। असुरों के राजा रक्त बीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने अपने तेज से यह उत्पन्न किया था। इनकी पूजा शुभ फलदायी होने के कारण इन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है। इस दिन साधक का मन सहसार चक्र में स्थित रहता है। इस समय ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। महाकालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव शुभ फल ही देने वाली है, इसी कारण इनका नाम शुभंकारी भी पड़ा है। कहते हैं इनकी पूजा करने से सभी दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं, दुश्मनों का नाश करती है और मनवांछित फल देती है। और आज की इस वीडियो में हम आपको माँ कालरात्रि की सरल पूजा विधि बताएंगे और एक ऐसी खास चीज के बारे में भी बताएंगे जो माँ कालरात्रि को बहुत प्रिय है। जो भक्त नवरात्रि के दिन इस खास चीज को माँ कालरात्रि को अर्पित करते हैं, अर्थात माँ को चढ़ा देता है, तो उस भक्त की सभी मनोकामना माँ कालरात्रि पूरी कर देती है। उस भक्त की जो भी परेशानी होती है वो पल भर में ही खत्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि क्या है और उस खास चीज के बारे में जो माँ कालरात्रि को अति प्रिय है। दोस्तों, सबसे पहले चौकी यानी कि बाजोड़ पर सबसे पहले माँ कालरात्रि की प्रतिक्रिया स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गौमूत्र से उसका शुद्धिकरण करें। चौकी पर तांबे, चांदी या मिट्टी के घड़े में शुद्ध जल भरें और उस पर नारियल रखकर कलश की स्थापना करें। दुर्गा पूजा में सप्तमी तिथि का काफी महत्व है। इस दिन से भक्त जनों के लिए देवी माँ के द्वार खुल जाते हैं। पूजा शुरू करने के लिए माँ कालरात्रि के परिवार के सदस्यों, नवग्रहों, दक्ष दीपाल और प्रार्थना कर उन्हें आमंत्रित कर ले। सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा कर ले। उसके बाद माँ कालरात्रि जी की पूजा की जाती है। पूजा की विधि शुरू करने पर हाथों में फूल लेकर देवी माँ को प्रणाम करें और पूजा के बाद माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। जी हाँ दोस्तों, गुड़ का भोग अगर आप लगाते हैं तो इससे माँ कालरात्रि अत्यंत प्रसन्न होती है, क्योंकि माँ को गुड़ अति प्रिय है। भोग करने के बाद दान करें और एक थाली ब्राह्मण के लिए भी निकाल कर रख लेनी चाहिए। ऐसा करने से माँ कालरात्रि अपनी सभी भक्तों की सभी परेशानियाँ हर लेती हैं, भक्तों की सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण कर देती हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।